गाइस बाईपास में ना सोलन बाईपास में फिर से लैंडस्लाइड हो गई और आज 23 अगस्त है भाई और बुरे हाल हो गए, बुरे हाल यहाँ पे फिर से लैंडस्लाइड होगी। और चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। भागते भागते ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, बट देखो तो कितने बुरे हाल है। और ट्रैफिक देखो आप कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, जाम इतना ज़्यादा लग रहा है पूछो मत आप भाई। और लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही, ये तो बाईपास की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ शुरुआत मैंने बाईपास से की सोलन के। अभी तो आपका कालका शिमला नेशनल हाईवे और टोटली बंद है हर जगह से, मैं आपको बताता हूँ भी कहाँ कहाँ बंद है। तो गाइस अभी एक ही रूट खुला है, वो है नाहन वाला, वाया नाहन होते हैं आप चंडीगढ़ जा सकते हैं, एक ही रूट खुला है अभी। ये HRTC की बस गई नाहन की तरफ ना शिमला से। तो गाइस ये ट्रैफिक तो जा रहा है बट जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, और कहाँ कहाँ पे हो रही है मैं आपको बताता हूँ। अभी सुनने में आया मेरे को कि कंडा घाट में और सलोगड़ा में भी लैंडस्लाइड हुई है, बट आप यहाँ देखो सामने जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुए थे, यहाँ पे भी हो रहा है भाई। देखो तो ये पहाड़ पूरा के पूरा आ गया और फिर से यहाँ पे रोड बंद हो गया है, हल्का हल्का सा रोड बचा है बस सिर्फ। अब देखो ट्रैफिक अभी जा रहा है, अभी पुलिस वाला मेरे को कोई नज़र आ रहा, कोई भी नज़र नहीं आ रहा पुलिस वाला यहाँ पे। और बारिश भाई बहुत ज़्यादा बता रही, 3 दिन तक यानी कि 72 घंटों का अलर्ट है यहाँ पे, पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट है, तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ भी आगे आगे चल के कि क्या हालत हो रहे क्या हालत नहीं हो रहे। और चंडीगढ़ से तो कोई बसेज नहीं आ रही ना, अगर कोई नीचे से बस आती तो मेरे को पता लग जाना था कि एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पे रोड बंद है। वैसे मेरे को पता भी चक्की मोड़ के पास तो रोड बंद है भाई, वहाँ तो रोड बंद है, वहाँ तो सुबह से बंद है, रात को वहाँ पे हैवी लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ तो रोड बंद है। बट अगर और जगह बीच बीच में तो जो बस वाले आते हैं ना वो सारे मेरे जानने वाले होते हैं, तो वो मेरे को बता देते कि भाई हाँ जी यहाँ रोड बंद है। बट कालका शिमला जो नेशनल हाईवे आपका चक्की मोड़ है वहाँ पे तो हैवी लैंडस्लाइड होते रहते, आपको पता है, और वहाँ पे बंद है, वहाँ तो टोटली बंद कर दिया है। और अभी मैं सोलन के बाईपास से हूँ और जो आपका ट्रैक है ट्रेन ट्रैक वो तो पूरी तरीके से डैमेज है, वो तो भाई बंद ही है अभी भी। HRTC की बस तो आई बट एक कहाँ से आई अभी नहीं पता है, अभी इसका बोर्ड पढ़ता हूँ मैं कहाँ से आई, रामपुर का ही बोर्ड लगा है भाई इसमें, पर ये पता नहीं कहाँ से आई। और ये तो भाई इसमें 4 सवारी है, सारी 4 ही सवारी की जा रही है रामपुर के लिए भाई। जैसे ना सेब की हमारी गाड़ी आ रही ना, जैसे सेब के ट्रक आ रहे, ये देखो आ रहे ना सेब के ट्रक, तो ये कौन से रूट से जाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, अभी मेरे को जाना पड़ेगा कुम्हारहट्टी, कुम्हारहट्टी चौक से हमें पता लगेगा कि जो कालका शिमला नेशनल हाईवे वो तो बंद है आपका चक्की मोड़ के पास, और कंडा घाट में बंद था वो खोल दिया भाई, तो डायरेक्ट गाड़ी आ रही है शिमला से। बट अभी चलते हैं कुम्हारहट्टी, कुम्हारहट्टी चौक वहाँ से पता लगेगा हमारे को भी कौन कौन से रूट बंद है। HRTC बस आई है, बताता हूँ मैं आपको कहाँ तक, ये जा रही है शिमला अम्बाड़ा कैंट चंडीगढ़, तो चक्की मोड़ तक ही जाएगी भाई ये बस चक्की मोड़ तक ही जाएगी जो HRTC की बस आ रही ना जितनी शिमला से। चक्की मोड़ के बाद थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, आपको पता है जो हमारी अगर आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा तो थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। ट्रैफिक तो आ रहा है शिमला से, देखो कितना ट्रैफिक आ रहा है भाई शिमला से, और बहुत बुरे हाल हो रहे, बहुत बुरे हाल, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, 72 घंटे का अलर्ट है यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ कुम्हारहट्टी में, कुम्हारहट्टी चौक बोलते हैं यहाँ पे, और कुम्हारहट्टी फ्लाईओवर है ये आपका जो रोड है जो सामने जा रहा है जो खाली पड़ा है वो जा रहा है आपका शिमला से कालका की तरफ, ये वाला फ्लाईओवर से नीचे और ऊपर फ्लाईओवर है, और यहाँ पे कुम्हारहट्टी चौक। अब यहाँ पे पूछते हैं भी कौन सा रोड बंद है कौन सा रोड बंद नहीं है, क्या कंडीशन है रोड की, तो बस आप लोग व्लॉग में बने रहो। तो आप ये नाहन वाला रोड ओपन है, सिर्फ ओनली नाहन वाला, और ये जो दिल्ली से दिल्ली की तरफ जा रही है ना शिमला से, ये जाएगी सिर्फ चक्की मोड़ तक ही बस, जो HRTC की बस जा रही ना ये ओनली जाएगी सिर्फ चक्की मोड़ तक, जो पीछे मैंने आपको बताया ना कि चक्की मोड़ तक जो बसेज जा रही है, और चक्की मोड़ से फिर पैदल जाना पड़ेगा नीचे की तरफ ना। और अभी आ रही है शिमला से सोलन से बसेस, और कुम्हारहट्टी चौक है यहाँ पे। अगर आपने डायरेक्ट जाना होगा ना शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली, तो आपको रोड फॉलो करना पड़ेगा नाहन वाला, ये देखो जहाँ से गाड़ी जा रही है, बट ये वाला तो है ना ये जा रही चक्की मोड़ तक ओनली। और अगर आपने जैसे हरियाणा की गाड़ी जा रही ना यहाँ से, पुलिस वाले पूछ पूछ के करें कि आपने कहाँ जाना, अगर आपने जैसे दिल्ली जाना है चंडीगढ़ जाना है तो आपको नाहन वाला रोड फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला रोड नाहन वाला रोड। अब देखो जो हमारे सेब की लदी हुई गाड़ी है ना, जैसे सेब की गाड़ी है ट्रक है हमारे, तो ये जाएंगे भी नाहन होते हुए, ये आ रहे हैं आपके शिमला रामपुर ठियोग से, तो अब जाएंगे नाहन की तरफ से, ये देखो आप ये नाहन वाला रोड बहुत बढ़िया है भाई, दूर तो है बट गाइस बहुत अच्छा है नाहन का रोड ना, ये कुम्हारहट्टी चौक यहाँ से आपको टर्न लेना पड़ेगा। बट अभी सिर्फ ओनली नाहन वाला रोड ओपन है, और जोड़जी वाला भी बंद है, और मल्ला वाला बंद है रोड, अभी सिर्फ ओपन है नाहन वाला। तो पुलिस वाले सबको रोक रहे हैं और सबको पूछ रहे भी आप लोगों ने कहाँ जाना है,
तो बिना वजह से यात्रा ना करे भाई। और 3 दिन का यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है और सेब के लदे ट्रक आपके सामने ही नाहन रोड से होते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। ये देखो आपके सामने और HRTC की बस ये जाएगी आपकी सिर्फ चक्की मोड़ तक, और चक्की मोड़ से पैदल जाना पड़ेगा आपको थोड़ा आगे तक जहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ है कालका शिमला नेशनल हाईवे पे, और वहाँ से आपको दूसरी बस मिल जाएगी HRTC की, बटे कुम्हारटी चौक से ये टर्न लेना पड़ता है। तो यही रूट काम आएगा हमारे, बबी भोजनगर जो मल्ला वाला है वो बंद है आपका, और बनासर वाला रोड भी वो भी बंद है। अभी सिर्फ ओनली जो रोड ओपन हुए हैं नाहन वाला शिमला नाहन, ये जा रही है आपकी सिर्फ चक्की मोड़ तक HRTC बस, नाहन से आई बस। ये आपकी चंडीगढ़ शिमला सराहन रामपुर जाएगी ना, तो ये नाहन से आई इस वाले रूट से, और वहीं से सारा ट्रैफिक आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ ना, और बाईपास होते हुए अब शिमला की तरफ जाएगी। तो सिर्फ यही रूट कामयाब है आपका नाहन वाला वाया नाहन चंडीगढ़ दिल्ली के लिए। और ये कुम्हारटी चौक है, याद रखो यहाँ से आपको टर्न लेना है और सीधा निकल जाना है आपको नाहन वाले रोड, आपको लेना है लेफ्ट साइड को टर्न लेना है, आपको सीधा जाना है कालका की तरफ चंडीगढ़ की तरफ, आपको टर्न लेना है यहाँ से और लेफ्ट साइड की तरफ जाना है आपको। वैसे पुलिस वाले हैं यहाँ पे, वो आपको हर वक्त बता देंगे। जाम देखो आप भाई कालका शिमला नेशनल हाईवे पे कितना जाम लगता है भाई, और ये कुम्हारटी चौक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे भाई, नहीं यार कुम्हारटी चौक आएगा आपको, वहाँ से आपको टर्न लेना लेफ्ट साइड की तरफ। वैसे तो यहाँ पे 2-3 लिंक रोड है, जैसे आपका बनासर वाला हो गया और आपका जोड़जी वाला हो गया, जोड़जी से बनासर और मल्ला वाला रोड, और सेब की भरी भरी गाड़ी हमारे को ना वाया नाहन होते हुए ले जानी पड़ेगी चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ। वैसे HRTC की बस आ रही है अब, ये निकलेगी अपनी चक्की मोड़ की तरफ। पूछ रहे पुलिस वाले से भाई रोड खुला है कि नहीं खुला है, चक्की मोड़ तक हम जा सकते कि नहीं जा सकते हैं, चंडीगढ़ सोलन अम्बाड़ा। ये देखो हमारी HRTC की बस, बुरा हाल है भाई, पूरे रोड का बुरा हाल है, रेड अलर्ट जारी है यहाँ पे, और यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।